हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं टू व्हीलर टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे पास यामाहा FZS वर्जन 2 और इसका आज हम बॉडी टेस्ट करने वाले हैं, यानी कि हम तोड़ के देखने वाले हैं कि ये कितना मजबूत है, कितना नाजुक है। और वीडियो देख के आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना नाजुक है और कितना मजबूत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो के एंड में बताऊंगा कि भाई ये क्यों हम तोड़ते हैं और क्या इसका रीजन है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए। तो चलिए मैं आपको ये सब कुछ बाद में बताऊंगा, तो सबसे पहले आप वीडियो देख लो। तो अब ये हम तोड़ के देखते हैं। तो ये काफी यार आसानी से टूट गया। इधर देखो, इधर दिखाओ। तो जैसे कि हमने यहाँ पे ऐसे हल्के से मारा तो ये बहुत आसानी से टूट गया। ये आप देख पा रहे होंगे यार, ये तो बहुत आसानी से टूट गया। वैसे मैं आपको बता दूं, ये बहुत सस्ता है, तो जितनी चीज़ें महंगी होती हैं वो इतनी आसानी से चीज़ें नहीं टूटती हैं, और ये बहुत आसानी से टूट गया। तो चलिए तोड़ के देखते हैं। काफी ये मजबूत लग रहा है। नजदीक से दिखाओ। तो ये बहुत ही आसानी से टूट गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें इस वीडियो को। तो ये तो काफ़ी आसानी से टूट गया। अब इधर देख लेते हैं। तो ये भी यहाँ पे टूट गया। मैंने यहाँ पे हथौड़ी मारी तो यहाँ पे नहीं टूटा, और यहाँ पे काफ़ी आसानी से टूट गया, क्योंकि यहाँ पे पतली सी ये पट्टी आप देख पा रहे हो, ये आसानी से टूट गई यहाँ पे। और यहाँ पे ये अंदर लोक भी टूट गया इसका। इधर दिखाओ, ये यहाँ पे जो ये लोक यहाँ पे फंसा होता है, ये भी आसानी से टूट गया। तो अब पीछे हम देख लेते हैं कि ये कितना मजबूत है। तो ये भी काफी मजबूत है और ये टूट नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको बॉडी टेस्ट, ये नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप भी किसी बाइक का बॉडी टेस्ट करवाना चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर वो बाइक मेरे पास होगी तो मैं ज़रूर उसके बॉडी टेस्ट करूंगा। अगर आप मेरी राय पूछते हैं कि ये बॉडी टेस्ट जो है ये कितना मजबूत था, ये बाइक कितनी मजबूत थी, तो भाई मेरे हिसाब से ये काफ़ी मजबूत था। जो इसके टैंक साइड कवर 2 जो था वो काफ़ी मजबूत था, और जो फेंडर था वो भी मजबूत था, पर फेंडर पे मैंने कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से मार दिया था फ्रंट फेंडर पे, तो वो टूट गया। और जो आप वो टैंक साइड कवर देख रहे थे वो भी काफ़ी मजबूत था। तो मेरे हिसाब से यार मजबूती काफ़ी यामाहा वालों ने दी है। तो मैं आपको बता दूं, एक मैंने और वीडियो बनाया R15 वर्जन 3 के ऊपर, तो उसमें कई लोगों ने नीचे कमेंट किया है कि भाई
आपके पास क्या पैसे ज़्यादा आ गए हैं जो बाइक तोड़ रहे हो, या उन्होंने कई क्वेश्चन किए, तो मैं आपको बता दूं कि भाई ऐसा नहीं है। और कई लोगों ने तो ये भी बोला कि भाई क्या आप इसको तोड़ के क्लेम लोगे, तो भाई मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है यार, कुछ क्लेम वलेम नहीं हम लेने वाले हैं। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं ये बॉडी टेस्ट करता हूँ तो बाइक मैं दोनों तरफ से तोड़ता हूँ, राइट से और लेफ्ट से। और क्लेम वाले जो हैं इंश्योरेंस वाले, जब उसका हम क्लेम लेते हैं तो वो फिर एक ही साइड का क्लेम देते हैं, चाहे आप राइट का ले लो चाहे लेफ्ट का ले लो। जब बोलते हैं कि हम नहीं, हमारी राइट में भी टूटी है लेफ्ट में भी टूटी है, तो वो मानते नहीं, बोलते कि आपने जान के तोड़ी है या आपने कुछ भी किया है, ये एक्सीडेंट नहीं है रियल, तो वो कभी भी क्लेम नहीं देते, वो सिर्फ एक साइड का देते हैं। और मैंने जो वीडियो में आपको दिखाया, वो मैंने राइट साइड में भी तोड़ा, लेफ्ट साइड में भी तोड़ा, दोनों साइड में भी तोड़ा। तो अब मैं बता दूं कि ये हुआ क्या, क्यों ऐसे हम तोड़ते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मेरा जो कोई ख़ास बंदा है या फ्रेंड है उसकी बाइक है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई ये आप बॉडी टेस्ट हम करना चाहते हैं, और जो जो पार्ट्स मैं आपके तोड़ूंगा ये आपको मैं नए डाल के दूंगा, और जितना भी खर्चा होगा मैं अपने पास से लगा दूंगा। तो इसमें मैंने फेंडर तोड़ा हुआ कुछ 800-900 रुपये का फेंडर है, और जो स्लैम्फर कवर है वो भी कुछ 100-150 रुपये का है। तो मैंने जो इसमें तोड़ा है 1000-1200 रुपये का, ये मैं अपने जेब से दूंगा। और कुछ भाई क्लेम का कुछ भी नहीं है इसमें, कोई वो नहीं है। तो अगर आपको यार कुछ, और मैं आपको बता दूं जो वर्जन 3 का मैंने वीडियो बनाया है, तो वो आपको देखना है तो वीडियो के एंड में आपको उस वीडियो का थंबनेल मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दूंगा, तब भी आप वहां पे भी जाके वीडियो देख सकते हैं। अगर यार आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर इस वीडियो को कर दो। तब तक के लिए जय हिंद।